गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच लव। मेरी लास्ट वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया आपने, 500 व्यूज़ 3 दिन के अंदर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं 500 को क्रॉस कर जाऊंगा, और आज मैं रेडी हूँ अपने नए कंटेंट के साथ। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें वीडियो, मेरा मार्केट खत्म हो चुका है, तो पहले हम जाएंगे, पहले मार्केट लेके आएंगे, तो आपको इस बहाने में मार्केट भी घुमा ले आऊँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, चलो चलते हैं। तो मैं स्टूडियो के बाहर आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं मेरा पीछे स्टूडियो कैसा लग रहा है, और अब हम मार्केट जा रहे हैं इनसाइड। तो अब वॉक करेंगे और देखेंगे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं, और सीधा मार्केट लेके सीधा अपनी पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम मार्केट आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ दुकानें बंद है, कुछ दुकानें ओपन है। तो अभी मैं एक चाय वाले के पास पहुँचा हूँ, थोड़ा चाय पी लेते हैं, उसके बाद मार्केट लेके सीधा अपना काम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमको एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा सा चाय पी लेते हैं। अंकल एक चाय बना देना कड़क सी। तो ये प्लेस है मेरा जहाँ पे मैं चाय पीता हूँ, ये अंकल जी हैं, बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। तो साउथ एक्स के बिल्कुल ही सामने है, और इसके सामने ये मार्केट है, बॉन टाउन के सामने ही है ये चाय की दुकान, जो बड़ी फेमस है, मिडल में ही है। मेरी चाय देखिए, चाय आ चुकी है। तो 2 दिन बिल्कुल ही बंद था क्योंकि कर्फ्यू चल रहा था दिल्ली में, और अब देखते हैं हम अंदर जाके कि मार्केट में क्या हाल है, स्टेशन खुली है कि नहीं। चाय बहुत सही है, यहाँ पर आके ट्राई करें एक बार अगर आप आते हो साउथ एक्स, ये जस्ट बॉन टाउन के सामने ही है। बस मेरी चाय ख़त्म हो गई, अब निकलते हैं स्टेशन की तरफ और देखना पड़ेगा कि स्टेशन खुली है कि नहीं। पब्लिक में थोड़ा सा मुझे हल्का सा अजीब लगता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी थोड़ा सा इतना नया हूँ, बट कोई नहीं, हल्का सा मुँह ढक रखा, थोड़ा डर भी नहीं लग रहा क्योंकि थोड़ा सा चलान कटने का डर है। स्टेशनरी तो खुल रखी है, अब मार्केट भी मिल जाएगा सीधा यहाँ से लेके, हमको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ से लेके सीधा निकलते हैं। तो ये मार्केट में बिल्कुल यहीं पे है स्टेशनरी, यस स्टेशनरी करके, तो आपको ये दिखा देता हूँ मैं। अरे बुलेट मार्केट देना, अभी थोड़ा कोरोना के लिए थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, वरना इसमें स्टफ बहुत ज़्यादा पड़ा है, इन पर कैनवास जो भी चीज़ चाहिए आपको पेंटिंग के लिए यहाँ मिल जाएगा। तो भाई हमारी मार्कर ये रही, इससे करेंगे हम पेंटिंग। तो फाइनली हमने मार्केट ले लिया, तो अब जाएंगे और देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो हम बेसिक कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कोई भी कैनवस पेंटिंग स्टार्ट करता है वो देख सकता है कि मैं क्या करूँगा पहले स्टार्टिंग में, लिख ही सकता है। तो मार्केट मिल गया हमको, कहीं भागना नहीं पड़ा, तो हम अंदर चल के देखते हैं। तो फाइनली हमने ले लिया, थोड़ा सैनिटाइज कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा करना है। जो हमने ड्राइंग करी थी उसके बाद हम मार्कर करने का टाइम आ गया है, और उसके बाद हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे अपनी। फाइनली हमारा हो गया है, अब इसको वॉल में जाके हम फ्लैट कलर करेंगे। तो ना हमने सब कुछ रेडी कर दिया, तो हम थोड़े मोटे ब्रश लेंगे, ब्लैक कलर लेंगे, येलो, ब्राउन, एक रेड और एक
उसके बाद एक ऐसा कुछ ले लेंगे। तो हमारा बेसिक जो है हमारा फाइनल हो चुका है। इसके बाद जो इसकी जो सेकंड पेंट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं पूरी पेंटिंग दिखाऊंगा आपको। तो एक बार क्लोज लुक दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये पास से। और इसमें थोड़ा सा बस पानी मिलाना है, बस एक फ्लैट कलर करना है आपको कि एक बेस बन जाए। उसके बाद हम जो पेंटिंग करेंगे उसका कुछ रिजल्ट ऐसा होगा। तो रिज़ल्ट कुछ ऐसा आएगा हमारा। तो ये मैंने पहली बेसिक जो किया था मैंने कुछ ऐसे ही किया था। तो आपको एक क्लोज लुक दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो कहीं कहीं कैसा होगा हल्का हल्का, कहीं लाइट कहीं डार्क। तो ये सूखने के बाद आप डबल कोट भी कर सकते हैं। इसको मैं सिंगल रखता हूँ तो इसको एक दिन लगेगा सूखने में। वैसे ये बिल्कुल बेसिक जो है इसका फाइनल हो रखा है। और जो इसका जो बाद में जो रिज़ल्ट आता है इसका कुछ ऐसा आता है। इसका भी मैंने बेसिक ऐसे स्टार्ट किया था तो आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये पसंद आएगी वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो करें इंस्टाग्राम में। और नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे हम। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। थैंक यू सो मच।